खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उलटफेर जारी है। आज रिसला, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। वहीं बीजेपी रूठों को मनाने में जुटी हुई है, क्योंकि एक साथ कई नेता टिकट ना मिलने से नाराज हैं, तो कुछ पार्टी को अलविदा भी कह चुके हैं। और हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले खींचतान जारी है। पहले कुमारी सैलजा और अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के चयन को लेकर डील नहीं हो पा रही। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैग पे थी। पूरे देश की पॉलिटिक्स में नौजवानों के लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी में शामिल होने की वजह और अपने एजेंडे को साफ किया। दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उम्मीद है विधानसभा का टिकट भी जरूर मिलेगा। सियासी संस्कार में ढलते ही सुर भी राजनीतिक हो चले हैं। नए रोल में विनेश फोगाट ने पहला हमला बीजेपी पर किया, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। विनेश और बजरंग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो साथ मिला उसकी वजह से वो सियासत में आए। बीजेपी कह रही है कि इसी साथ के सहारे जंतर मंतर पर बैठे थे, ये खिचड़ी तो पहले ही पक चुकी थी। ये तो सीधी स्पष्ट बात है, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी को नुकसान दे सकता है, पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब पार्टी के बागी भी हैं। बीजेपी इसी डैमेज कंट्रोल में लगी है, बगावत करने वालों में नाराजगी कितनी गहरी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जब आमना सामना हुआ तो कांबोज ने सीएम से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। कर्णदेव कांबोज ने कल बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कांबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो हर तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का, दोनों सीटों पे नुकसान होगा, ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे, नहीं हारेंगे तो हमारे वही। हालांकि सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि वो कर्णदेव कंबोज को मना लेंगे, पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के भीतर की लड़ाई पर मजे बाहर वाले भी ले रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी तो और होंगे, क्योंकि बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता सर देख के बोलिए, वो भी इस बात को
पहचान गया है भाजपा पार्टी के अंदर, ना तो सम्मान मिल रहा ना भाजपा का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य दिख रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है, हालांकि अब तक गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य पार्टियों में एक फर्क है, हम हमारी प्रक्रियाएं जो कमरे के भीतर चल रही होती है वो भी आपसे साझा कर देते हैं, शायद अब वो नहीं करनी चाहिए। तो वो प्रक्रियाएं हैं, चर्चा चलती रहती है। अब चर्चा के ऊपर आप सवाल पूछो, फिर सवाल पे फिर चर्चा हो, फिर उस चर्चा पे फिर सवाल हो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो जब निष्कर्ष पे किसी भी निर्णय पे पहुंचेंगे तब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हरियाणा चुनाव में टिकटों को लेकर बीजेपी में तो कलह मची हुई है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट आने पर वहां भी कोहराम मचना तय है। फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और रूठों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। शंका इस बात की है कि कहीं मनाने में ज्यादा देर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।